ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए, लोगों को ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए? तो हम सब जानते हैं कि ब्लड का कोई ऑप्शंस नहीं है। जब भी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, एक्सीडेंट केस है, डेंगू का केस है, मलेरिया का केस है, तो काफ़ी सारे केसेस के अंदर कार्डियक सर्जरी में, ब्रेन सर्जरी में, तो बहुत सारी जगह पर पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन ब्लड का कोई ऑप्शंस नहीं ढूंढ पाया है। ब्लड जब किसी को चाहिए तब एक इंसान ही इंसान के काम आता है। जब इंसान ही ब्लड डोनेट करता है तब दूसरे इंसान को ब्लड मिलता है। इसके लिए हम ब्लड बैंक की ओर से सबको हम एक ही अपील करते हैं कि हर 3 महीने या 4 महीने रेगुलर रक्तदान करना चाहिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिन्होंने थैलेसेमिया मेजर बच्चों, जो जिसको जिंदा रखने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। थैलेसेमिया मेजर एक ऐसा डिसीज है जिसके अंदर वो बच्चों के शरीर के अंदर नया खून नहीं बनता, उसको जिंदा रहने के लिए बाहर से ही खून लेना पड़ता है, तब जाके वो बच्चे जिंदा रह पाते हैं। तो ऐसे 750 बच्चों को रेडक्रॉस सोसाइटी ने एडॉप्ट किया हुआ है, जिसको हर महीने उसकी ज़रूरत के मुताबिक हम लोग उसको ब्लड चढ़ा कर देते हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके देते हैं। तो ऐसे बच्चों को जिंदा रखने के लिए भी हमें रेगुलर रक्तदान करना चाहिए। यही अपील को लेकर हम लोगों ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था। एक रिक्वेस्ट किया कि सर, आपके यहाँ काफ़ी सारे अच्छे से स्टूडेंट्स हैं जो हर बार रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, तो इस बार भी आप हमारे साथ रेडक्रॉस के साथ रक्तदान कीजिए। और उन्होंने एक अच्छा सा मौका हमें दिया हुआ है, जो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा शुभ काम करने के लिए जा रही है GNLU। मैं GNLU का खूब खूब बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आज रक्तदान शिविर जो हमारा चल रहा है, GNLU का रक्तदान शिविर चल रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर, बहुत संख्या के अंदर यहाँ के स्टूडेंट्स रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। मैं चाहूँगा ये जो स्टूडेंट्स आज रक्तदान कर रहे हैं, जो बच्चे आज रक्तदान कर रहे हैं, वो भविष्य के अंदर भी इन फ्यूचर हर 3 महीने या 4 महीने नियमित रूप से रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और जब ब्लड की ज़रूरत समाज को होती है तब उसको नियमित रूप से ब्लड मिल जाए, ये हमारी एक नैतिक जवाबदारी है। वो नैतिक जवाबदारी के भाग रूप हमें नियमित रक्तदान करना चाहिए। यही मैं GNLU के हर एक बच्चों से, फैकल्टी मेम्बर से, प्रोफेसर से, टीचिंग स्टाफ से, क्लियरिकल स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज भी और भविष्य के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें और सोसाइटी को रक्तदान करके उसको रक्त पूरा दे। ये मेरी आपसे अपील है।